अगर आप एक LIC होल्डर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी जल्द ही LIC ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक नोटिस जारी किया है कि अब LIC होल्डर को अपने पॉलिसी के साथ पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। तो आप भी अगर एक LIC पॉलिसी होल्डर है, यानी आपने कोई भी पॉलिसी ले रखी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने LIC पॉलिसी के साथ पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। LIC पॉलिसी के साथ पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे LIC। जैसे कि मैं टाइप कर लेता हूँ, LIC टाइप करने के बाद आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने LIC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहां 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन पेन रजिस्ट्रेशन का, आप यहां पर देख सकते हैं कि अभी न्यू लॉन्च हुआ है और यहां पर न्यू शो हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसी पेज पर आ जाएंगे, आपको ज़्यादा सर्च वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अटेंशन, यानी ध्यान दे। आपको यहाँ पर मिल जाएगा कीप योर पैन कार्ड हैंडी अलोंग विद द लिस्ट ऑफ पॉलिसी, यानी अपने पॉलिसी की सूची के साथ पैन कार्ड को संभाल कर रखना है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नंबर इज टू बी इंटर्ड, यानी आपको एक मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपके LIC पॉलिसी के साथ लिंक हो, यानी जो आपने LIC ओपन करवाते समय जो मोबाइल नंबर दिया है उसी मोबाइल नंबर को आपको यहां पर इंटर करना है, क्योंकि LIC के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म ए मैसेज विल बी शो ऑन द सक्सेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, यानी आप जब भी फॉर्म को सबमिट करेंगे तो फॉर्म जमा करने के बाद पंजीकृत अनुरोध की सफलता पर एक संदेश दिखाया जाता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले में अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, यानी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इंटर करेंगे, कोई और डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी इंटर करना है, जो भी आपके पास ईमेल आईडी है आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर इंटर करना होगा, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर इंटर करते हैं। उसके बाद आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम है आप यहाँ नीचे इंटर करेंगे। आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, आपके पास जो भी LIC पॉलिसी में मोबाइल नंबर लिंक है आप उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर इंटर करना है कि किस पॉलिसी नंबर में आप पैन कार्ड को लिंक करना चाहते हैं, तो आपको उसी पॉलिसी नंबर को यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर टर्म कंडीशन को अच्छे से रीड कर लेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद आपको सेम कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना होता है, कैप्चा कोड आपको
आपको मिस्टेक नहीं करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप यहां गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं फॉर्म को फिल कर लेता हूं। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ फिल कर लिया है। उसके बाद हम यहां गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद LIC की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। आप ओटीपी को यहां पर इंटर करेंगे। तो चलिए हम इंटर कर लेते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद आप यहां सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप यहां रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके फिर से ओटीपी मंगा सकते हैं। तो मेरा ओटीपी आ गया है, मैं यहां से सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप्स होगा, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर लिख रहा है रिक्वेस्ट फॉर पेन रजिस्ट्रेशन रिसीव, यानी आपकी रिक्वेस्ट को LIC के तरफ से रिसीव कर लिया गया है। और यहां पर आपको अपना LIC नंबर दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से अपने LIC पॉलिसी में अपना पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको कि किस तरीके से अपने LIC पॉलिसी में पैन कार्ड को लिंक करना है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको LIC पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो गाइज मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।